60,000 रुपीज़ के बजट में देखें तो मार्केट में लैपटॉप्स आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इन लैपटॉप्स में से आपको कौन सा लेना है जिनमें कि आपको एटलीस्ट 16 GB की रैम देखने को मिले, वो भी 3200 MHz की, एंड आपको एटलीस्ट 512 GB की NVMe SSD देखने को मिले, और यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ तो आपके हिसाब से 14 इंच या फिर 15.6 इंच का कुछ भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों के लिए ध्यान में रखना है। बाकी प्रोसेसर तो आपके ऊपर है, आपको कौन सा लेना है, इंटेल वाला वेरियंट लेना है या फिर राइजन वाला वेरियंट, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे सभी लैपटॉप्स के। बाकी गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ अच्छे ऑप्शंस बताएं, सभी का आपको यहाँ पे लिंक वगैरह मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शुरू करते हैं बात करते हैं इन्हीं लैपटॉप्स के बारे में। इस पहले लैपटॉप के बारे में बात करेंगे तो ये मी नोटबुक प्रो है, जहाँ पे आपको सबसे जो मेन USP है इस डिवाइस की, यहाँ पे आपको QHD प्लस का एक IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो गाइज़ ये डिस्प्ले ना मार्केट में अभी कोई नहीं दे रहा है इस प्राइस पॉइंट में। सो गाइज़ आपको डिस्प्ले क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं होने वाली, लुक्स के मामले में ये मैकबुक जैसा दिखता है। बाकी गाइज़ यहाँ पे आपको i5 का 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, जो कि H सीरीज़ का प्रोसेसर है, मतलब कि हैवी ड्यूटी और यहाँ पे हैवी परफॉर्मेंस मिलेगी। 14 इंच का कॉम्पैक्ट साइज़ का ये लैपटॉप है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है आप गाइज़, और यहाँ पे 16 GB की रैम देखने को मिलती है ऑनबोर्ड, और 512 GB की NVMe SSD है, और विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स, और आपको सभी कुछ लेटेस्ट देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप चेक करना। नेक्स्ट जो लैपटॉप है ना गाइज, ये आता है लेनोवो की तरफ से, एंड गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लेनोवो आइडिया पैड 3 11 जनरेशन के i5 कोर के प्रोसेसर के साथ में, एंड यहाँ पे आपको फुल HD 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 16 GB की रैम इसमें भी आती है, 512 GB की NVMe SSD, बाकी सभी कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, प्लस 3 महीने का Xbox गेम पास भी आपको इसमें फ्री देखने को मिलता है। तो ये भी 60,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन बन सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ज़रूर से चेक करना। नेक्स्ट जो लैपटॉप आ रहा है ये आप बात करेंगे Asus VivoBook K15 OLED वाले डिस्प्ले के बारे में, तो कि गाइज यहाँ पे मेन जो इसका USP है इस डिवाइस का, ये भी यहाँ पे आपको इसका जो OLED डिस्प्ले है वही है, तो डिस्प्ले के मामले में ये भी काफ़ी अच्छा है। 15.6 इंच का आपको फुल HD OLED डिस्प्ले मिलता है, 16 GB की रैम यहाँ पर भी है, 512 GB की NVMe SSD, सभी कुछ आपको देखने को मिल जाता है इसमें भी। लुक्स के मामले में ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा है, वैसे इसका प्राइस अभी 65 चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, ये आपको चेक करना है, बाकी काफ़ी अच्छा ये लैपटॉप है। नेक्स्ट जो लैपटॉप बात कर रहे हैं हम लोग, ये है HP की तरफ से, और इसका नाम है HP Pavilion 15, जहाँ पे आपको Ryzen 5 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो गाइस जिनको Ryzen वाला प्रोसेसर ही चाहिए वो ये ले सकते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको काफ़ी लेटेस्ट देखने को मिल जाता है सभी कुछ। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मेटल बॉडी देखने को मिलती है, बाकी यहाँ पे आपको Alexa का सपोर्ट है, BNO का ऑडियो है, फिंगरप्रिंट रीडर है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ में आता है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, मतलब कि फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, माइक्रो एजेस के साथ में आता है, अच्छी खासी आपको लैपटॉप मिल जाती है, 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD। तो सभी लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक करना ज़रूर से, वहाँ पे आपको और भी डिटेल्स मिलेगी। नेक्स्ट जो लैपटॉप है ये है Acer Aspire 5, जहाँ पे आपको Ryzen 5 का 5500U देखने को मिलता है, जो कि हेक्सा कोर प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस डबल अप हो जाती है गाइज, यहाँ पे मल्टीटास्किंग बेटर मिलेगी आपको Ryzen वाले प्रोसेसर में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको Intel वर्सेस Ryzen वाले वीडियो मैंने आपको अच्छे से समझाया। इसका प्राइस पॉइंट देखो तो 56,000 रुपीज़ चल रहा है, एंड यहाँ रैम 16 GB ही मिलेगी आपको, क्योंकि सभी वही बता रहा हूँ मैं, और 512 GB की NVMe SSD, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और भी डिटेल्स चेक कर लेना। नेक्स्ट जो लैपटॉप है ये है Lenovo आइडिया पैड स्लिम 5, वही सेम i5 11 जनरेशन, 14 इंच के डिस्प्ले, 16 GB रैम, 512 GB की SSD, अच्छा ऑप्शन है, 62,000 रुपीज़ के अराउंड सेल हो रहा है, एंड गाइज लैपटॉप लुक्स के मामले में बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी आपको काफ़ी कड़क देखने को मिलती है। सो गाइज यहाँ पे मैंने सारे लैपटॉप्स बता दिए, अब गाइज सभी लैपटॉप बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देने वाले इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो, अब आपको डिसाइड करना है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है कोई भी लैपटॉप में, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट। बाकी आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।